सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद इलाहाबाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और राज्य सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद सुबह लगभग 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसके बाद पोलो ग्राउंड में पहुंचेंगे 11:30 बजे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पोलो ग्राउंड से सर्किट हाउस के लिए जाएंगे। सर्किट हाउस से करीब 11:30 बजे हाईकोर्ट परिसर पहुंचेंगे और हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैम्बर, मल्टी लेवल पार्किंग और लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में एक प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। 10:30 बजे वो बमरौली एयरपोर्ट हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही लाइब्रेरी ऑडिटोरियम का भी आधारशिला रखेंगे। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये कार्यक्रम होगा। एयरपोर्ट से 5:30 बजे वो दिल्ली के लिए दोबारा रवाना होंगे। इसके साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर की आज आधारशिला रखी जाएगी। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की भी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति कोविंद शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आज सर्किट हाउस में भी उनका कार्यक्रम होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं? देखिए माननीय राष्ट्रपति जो है 10:30 बजे उनका प्लेन पहुंचेगा बमरौली एयरपोर्ट, जहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे पोलो ग्राउंड जो हाईकोर्ट के पास है, वहां से फिर वो हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर अधिवक्ताओं के लिए बनने वाले जो है चैम्बर का स्वागत वो जो है उद्घाटन करेंगे और साथ ही लाइब्रेरी का वो वहीं पर हाईकोर्ट के अंदर ही उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां सर्किट हाउस जाएंगे जहां विश्राम करेंगे, फिर शाम को उनकी वापसी दिल्ली के लिए है। मनीष, इसके साथ ही किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कहा यह जा रहा है कि सीएम और स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता की गई है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तमाम एसपी, एएसपी स्तर के कई अधिकारी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जो है चूक ना होने पाए सुरक्षा व्यवस्था में। और साथ में उनके उपस्थिति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संदीप सिंह और साथ ही अन्य कई बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें होंगे और जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। ठीक संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।